तकिया ठीक करने में इस ब्लॉग में इतनी ज़्यादा मस्ती हो चुकी है दीदी की वजह से, क्योंकि दीदी को इतनी ज़्यादा मस्ती सूझती है। और ये नन्हा सा बालक प्यारा सा कृष्णा भी आया हुआ है, जो कि हमारे ब्लॉग में ऐड ऑन हो चुका है, और इसकी भी बहुत सारी मस्ती है। पूरा ब्लॉग वॉच कीजिए गाइस। जय बाबा जी की, सभी को स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और मेरी मम्मी से मिलाती हूँ, मेरी मम्मी भी सभी को जय बाबा जी की बोल रही है। मेरी मम्मी की तरफ से भी सभी को जय बाबा जी की। हमारा टाइगर है और ये है कृष्णा, ये मेरी दीदी का लड़का है। दीदी की शादी हो गई है और अब वो यहाँ नहीं रहती हैं। कृष्णा कभी कभी आता है और इसका भी नाम कृष्णा ही है और देवा भी है, बट इसका नाम कृष्णा है, शोभित है और भी बहुत सारे नाम है। सभी लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक सिस्टर अपनी सिस्टर के बच्चों से कितना प्यार कर सकती है, ये तो बात लड़कियां ही जान सकती हैं। मम्मी से पूछते हुए कि मम्मी क्या बनाओगे, मम्मी ने बोला पोहा। ये पोहा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मम्मी ने बोला कि पहले मुझे वो तकिया उठा के दो। और गाइस बताओ तकिया का क्या होने वाला है, किस किस के घर में ऐसा होता है कि तकिया अगर थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसकी रुई निकाल करके फिर दोबारा उसका कचुम्बर बना के फिर दोबारा उसमें भर दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और गुदगुदा तकिया हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं भी मम्मी की हेल्प कराऊँगी। मम्मी कह रही हैं कि हेल्प मत कराओ, जाके तुम उधर का काम कर लो, बट नहीं, मुझे हेल्प करानी है बिकॉज आई डोंट नो, बट मम्मी की हेल्प करानी है मुझे। बहुत सी फालतू बातें हो गई, अब इस काम को करने भी लग जाते हैं। और कृष्णा के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चलता टाइम का, पूरा दिन कृष्णा हमारे घर में रहता है। और ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा और क्यूट है, ये देखो इसकी हरकतें। आप गाइस इसे खाली फ़ोन में देख रहे हो, अगर रियलिटी में इसको अगर पूरे टाइम रिकॉर्ड करते रहो ना तो इस पर बहुत ज़्यादा किलकिली आती है। और मैं काम कर रही हूँ और रिकॉर्ड पता है कौन कर रहा है, आप सभी की प्यारी लाडली अंकिता मैम। और गाइज मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है इसको करते करते। और ये देख लो मम्मी भी करा रही है, मैं भी कर रही हूँ और प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। बस इसमें इसकी फिलिंग करनी है, बस ये इसके अंदर भर जाए तो उसके बाद हमारा तकिया रेडी हो जाएगा। क्वान्टिटी में तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे दो तकिए भर जाएंगे, लेकिन मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद खुद पे चक जाएगा। ये सुन के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि इसको ऐसा कर ही क्यों रहे। मम्मी ने मेरे से बोला कि तुम तो बस मुंह चला लेते हो, बस काम तो कुछ करना होता नहीं है। फिर मैंने बोला चुपचाप काम करने में ही मेरी भलाई है, तो मैंने चुपचाप काम करा लिया। मम्मी ने इसकी स्टिचिंग कर दी, उसके बाद मैंने इस तकिए को खूब धोया, सारा गुस्सा उतार लिया इस पर, मार मार के। फिर दीदी मुझसे मस्ती लेने लग गई कि बस हो गया अब लेट जाने दो। और हाँ, मम्मी का कहना सच में रंग ला रहा था, तकिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट हो चुका था। दीदी ने लेट कर भी देखा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैंने दीदी से बोला दीदी हट जाओ, तो दीदी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, दीदी को बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही थी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी इनको हटा दो, मम्मी ने हटा दी। जो भी ब्लॉग स्टार्टिंग से देख रहे उन्हें तो पता ही होगा कि तकिए का हाल क्या से क्या हो चुका है। कमेंट करके बताइए आप तकिया कैसा लग रहा है आपको। और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।